मैं सिर्फ दो तीन बातें आज करूंगा मुख्तसर से, बगैर तमीज के, जिसको कहने के दुख को बात। फिर उसके बाद हमारे एक मेहमान हैं अल्लाह से आए हुए, अलम कुछ रह करते, वो भी जवाब में चल रहे थे, सादात में से हैं, सैयद मौलाना उबैदुल्लाह शाह। अगर कुछ रह करते 8 साल में एक साथ पढ़े, ये वो सादात हैं जिनके साथ हम रहे, और इनकी जिंदगी तालिब इल्म ना कैसी, रोजाना 6 सितारे मंजर की तिलावत। क्वेटा से तालाब है, क्वेटा से उनसे ट्रेन में पहले बैठना, ये वो शाह साहबान है, पहले अपना कुरान की जुबानी पढ़ना, फिर बातें करना। फैसलाबाद से क्वेटा जाएंगे, सबसे पहले अपना कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, फिर गपशप करेंगे, और तहज्जुद में भी आगे, हिफ्ज़ में भी आगे, वो इंशाल्लाह दुआ करवाएंगे। और प्रोग्राम ये है कि आखिर में हमने एक कसीदा बुर्दा शरीफ रखा है, ताकि हम भी यहाँ से कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत और रूहानियत लेकर जाएं। जो ये कसीदा ख़त्म होगा तो साथ ही दुआ शुरू हो जाएगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत और इश्क में डूब के हम भी अल्लाह पाक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत मांग लें। दो टोक बात में से ये है कि गैर ने हमेशा से कोशिश की, और हमारी आवाम को लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, उल्लू बनाया, बेवकूफ बनाया। इंग्लिश के खुमार के नाम से हमने यहाँ पर जो इंग्लिश शुरू की, वो पहले अरबी शुरू करनी चाहिए थी, इंग्लिश शुरू करवाई, इसलिए कि इंग्लिश की वजह, इंग्लिश को मना नहीं है, इंग्लिश आपको पढ़ानी है बड़े बड़े चैनों में, तो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंग्लिश में क्यों नहीं लाते, आपको इंग्लिश ही पढ़ानी है, तो की बजाय अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को क्यों नहीं पढ़ाया जाता, आपको इंग्लिश ही पढ़ानी है तो आपको मिस्टर डंकर की बजाय उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी कहाँ से गई। तालीम और फहाशी, तालीम और बदतमीज़ी, तालीम और इंसानियत की जो फितरत है उसको मसख करना, ये एक साजिश है, ये कोई तालीम नहीं है। तो ये हमारे बच्चे हैं, ये फूल हैं, ये कलियाँ हैं, तो उलमा ने पहले की कोशिशें वो जो करते आ रहे हैं आप भी कर रहे हैं। पिछले दिनों हम गए चरियोर में अनवारुल कुरान में, वहाँ पर उन्होंने 4 साल हो गए स्कूल का शुरू किया, 9th क्लास को सिर्फ वो 3 घंटे साइंस पढ़ाते हैं, बाकी सारा हिफ्ज़ कुरान पढ़ते हैं। पूरे चरियोर में सबसे फर्स्ट नंबर का रिजल्ट जो था वो मदरसे का था, सारे बड़े बड़े चेन सर पकड़ के बैठे हुए हैं, हुआ क्या है कि तुमने इसको बिजनेस बनाया है, उलमा ने इसको आखिरत के लिए जरिए निजात बनाया है, ये तालीम को शोभा शोर के लिए है, ये बिजनेस के लिए नहीं है। तो अलमीन अकेडमी इंतजामिया और बहुत सारे अफराद, ये एक अकेडमी नहीं है बल्कि एक सोच है, ये एक सोच है, इस सोच के तहत कि जितना काम हो जाए हम इस्तेमाल हो जाए, ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए सआदत है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह नज़ीर के बच्चों की तफसीली जो है वो आपके सामने आ गई, हमें बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि रोज़ाना की रिपोर्ट होती है और माहाना रिपोर्ट मुकम्मल जाती है, कितना सबक, कितनी मंजिल वो जो है रिपोर्टिंग होती है, पूरे साल का कोई भी वालिद हमसे ऑनलाइन ले लें या वैसे कॉपी में ले लें तो उनको मिलती हैं। दूसरा ये कि असातिज़ा किराम का चुनाव जो है अल्लाह के फजल से हमने कारी नहीं रखे बल्कि उस्ताद रखे, जुमला सुनिएगा, कारी नहीं रखे बल्कि उस्ताद रखे, कारी बहुत मिलेंगे लेकिन उस्ताद नहीं मिलेंगे। तमाम हिफ्ज़ को पढ़ाने वाले असातिज़ा किराम तजर्बा कार और सारे उलमा हैं, सारे खाली खाली यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे, आगे होगा साथ में पढ़ाए, ताकि नसीहत से बच्चों को पढ़ाए, डांटा नहीं जाता, मारा नहीं जाता, बल्कि उनकी सलाहियत को उजागर किया जाता है, नफ्सियात की बुनियाद पर टारगेट बनाए हुए हैं कि इतने दिन में सबक सुनाएगा, इतने सितारे सुनाएगा, इनामात मिलेंगे। रूहानियत के हवाले से ये है कि इनके आशरा होता है तकबीर उला का, कि 10 दिन तकबीर उला का अहतमाम करना है, 10 दिन सजाई का अहतमाम करना है, 10 दिन खिदमत का है, 10 दिन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह का है, ताकि सिफात का भी थोड़ा बहुत चखना हो जाए। तो आपसे गुजारिश और इल्तिमास इस बुनियाद पे है कि आप जहाँ जहाँ आपने ये देखा तो अपने बच्चों को साथ साथ, हमारे कहने से कोई यहाँ पर हासिल करेगा, मैट्रिक साइंस होगी, यही आपको मसला है वो हम दे देते हैं, इंग्लिश हम दे देते हैं, दीन आप ले लें, दीन जो है वो सबसे पहली हमारी ज़रूरत है, दुनिया जो है वो बात की ज़रूरत है। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमें अपनी बारगाह में ढेर ढेर गुजरा है।